ये इतना कुछ भी खेल लो इतना तो इसके साथ। जैसे घोड़े पे बैठ के भाई चल रहा है ना, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है। इवन मैं इससे भी ऊंचा बैठा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। स्कोर पे लेते हैं ना, वही सब फिटमेंट फिनिश को नहीं देखते भाई। देखो मैं चाहूँ तो इसको अपने हाथ से पूरा सिस्टम हटा दिया है मैंने। पहली बार जिंदगी में मौका मिल रहा है भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक एस चलाने का। भाई मैंने गाड़ी तब चलाई थी जब इसके साथ एक क्लासिक नहीं जुड़ा हुआ रहता था, ओनली स्कॉर्पियो ही हुआ रहती थी। और ये जो लोगो आप देख रहे हो ये भी ऐसा नहीं होता था भाई, वो ऐसे गोल तीन से निशान तीर के से ऐसे हुआ करता था। बट अब इसके अंदर भाई साहब बहुत इंप्रूवमेंट करी है महिंद्रा ने कहने को तो। इसका इंजन अब पहले 140 bhp का आया करता था, एमोक 2.2 डीजल इंजन, बट अब उसमें पावर थोड़ी कम कर दी, 130 bhp, 300 Nm का टॉर्क आता है। अब जरा चला के देखता हूँ यार। लोग बाग ना बस ऐसे कहते हैं इस गाड़ी के पीछे भाई, डेढ़ दो दो साल वेट करते हैं कि इस गाड़ी में बस चलाने का मजा है। फीचर मैंने आपको दिखा रखे हैं प्रीवियस वीडियो में इस गाड़ी के, वो कहते हैं भाई फीचर मत देखो इस गाड़ी में, देखना है तो केवल ड्राइव देखो। वही आज मैं देखने वाला हूँ। कहते हैं ड्राइव देखोगे तो पागल हो जाओगे, वहाँ पे असली समझ आते हैं इस गाड़ी की। ठीक है भैया आज हाथ लग गई है तो भैया डीजल गाड़ी को चला के भी देख लेते जरा क्या है क्या नहीं। देखो भाई डोर वोर पे कुछ भी नहीं आएगा, एकदम खोखला, कोई स्टीरियो विस्टर कुछ नहीं आता। 15-16 lakh रुपए की गाड़ी में फिलहाल बैठा हूँ, कोई स्टेयरिंग आपको नहीं मिलेगा। सीट भी ऐसे इस तरीके से पीछे होगी, नॉर्मल पूरा का पूरा इंटीरियर आता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो आती है, डोर वोर पे कुछ नहीं आएगा। इसको हैंड ब्रेक को करूंगा, नीचे 6 gear आते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो चलो फिर पहला गियर लगा के सबसे पहले तो पेडल्स की बात कर लूं भाई। तो पेडल्स का जो क्लच है ना भाई, क्लच का ट्रेवल तो बहुत ज़्यादा है। ये जो क्लच है बहुत अंदर तक जाती है, अभी आपने नोटिस करी होगी भाई इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप आता है ऑटो। जैसे ही कोई ट्रैफिक लाइट वगैरह पे आपका एसी वैसी ऑफ है तो अपने आप गाड़ी बंद हो जाती है, फ्यूल सेव करने के लिए। माइल्ड हाइब्रिड जो पीछे लिखा रहता है उसके जस्टिफाई करता है। तो ये सॉफ्ट तो बहुत है और इसके अंदर भाई कोई लोहे से लोहा घिसराने वाली दिक्कत भी नहीं है। जैसे स्कॉर्पियो एन में लोहे से लोहा घिसरने वाली दिक्कत है ना, आई एम शोक्ड कि यार जो क्लासिक है उसमें वो चीज़ रहनी चाहिए थी। पहले तो उसमें ही पहले क्लासिक से ही वो चीज़ आई थी उसके अंदर भी, एन के अंदर। पर इतनी सॉफ्ट है ना भाई, बस ट्रेवल ज़्यादा बहुत स्मूथ है। इवन डेड पेडल भी, थार के ऑटोमेटिक में भी ये लोग इतनी कोस्ट कटिंग करते हैं डेड पेडल नहीं देते, यहाँ पे मैनुअल होते हुए भी भाई डेड पेडल दे रखा है। इन चीज़ों में तो बढ़िया काम कर रही है महिंद्रा मतलब इस गाड़ी के साथ। यहाँ पे मैं रेस दूंगा तो देखते हैं भाई लिमिटर कितने पे है। इसमें भी लिमिटर लगा रखा है, 3000 से ऊपर नहीं जाता भाई इंजन की सेफ्टी के लिए। पहले जैसे हवाबाजी करते थे लोग, इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आता है ना, कोई ESP VSP। चलाओ जैसे मर्जी, पेलनी है गाड़ी ऐसे पेलो, बस 1000 पहले गियर पे मतलब न्यूट्रल पे, हम तीसरा नहीं 3000 से ऊपर RPM नहीं जाने देंगे। पहले पे देखूं, पहले पे भी सेम चीज़ है, पहले पे भी आप वो नहीं कर सकते, वो कलाकारी जो आप करना चाहते हो। इसको बंद करता हूँ, पहले गियर पे गाड़ी ये देखो स्टेयरिंग, मतलब जो क्लासिक में जो लोग मजा बताते हैं ना, एक तो ये हिलने डुलने का और जो स्टेयरिंग अपने आप ये एडास का अलग ही लेवल का है भाई। लेवल 1 सुना होगा आपने, 2 सुना होगा, बट ये वाला एडास देखो, ये केवल आप क्लासिक के अंदर देखने को मिलता है या फिर जो मंदिर टाइम की घनी गाड़ियाँ हुआ करती थी केवल उनके अंदर देखने को मिलेगा। ये देखो पहले सबसे पहले मैं रफ रोड पे इसको ले आया हूँ भाई, आदमी पूरा देखो ऐसे का ऐसे हिलता रहता है। इस चीज़ का मजा है इसमें भाई, लोगों को चाहिए अर्बन एरियाज में आज के टाइम में कम्फर्ट वम्फर्ट वो चीज़ आपको इसमें इतनी खास नहीं मिलेगी। बस जो एकदम रहता ना रॉयल वाली फील, रुतबा सा पूरा बोनट दिखे, प्रॉपर जो SUV वाली फील आती है, SUV स्टेंस। और भाई अब मानोगे नहीं, अब महिंद्रा ने ये वाकई में गाड़ी बहुत स्मूथ कर दी है यार, इतनी स्मूथ कर दी है कि जब मैं गाड़ी को बंद भी करूँगा तो आप देखो गाड़ी बंद हुई, कोई गियर से कोई इतनी सी वाइब्रेशन नहीं हुई। अब स्टार्ट करूँगा, ये देखो गाड़ी अब स्टार्ट हुई है आपके सामने, आपको पता भी नहीं चलता है, इतनी साइलेंट कर दी है इन्होंने। अब इंसुलेशन वगैरह भी लगा दिए हैं, ऑटो अप डाउन वगैरह मतलब वन टच तो आपको देखने के लिए ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं भाई। अब जैसे गाड़ी के अंदर हूँ मैं, पहले पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन साउंड अंदर तक आती थी, बट अब ऐसा कुछ है ही नहीं यार। अब गियर पे आप हाथ रख लो इतनी सी वाइब्रेशन फील नहीं होती, इन्होंने कुछ तो बहुत अच्छा किया है इस गाड़ी के अंदर। अब ये मतलब BS6 फेज 2 वाली गाड़ी है फिलहाल, इसकी ना सीट बेल्ट वाली इतनी इरीटेटिंग, आजकल तो भैया सबको लगानी पड़ती है सीट बेल्ट, इसमें वो झमेले वमेले नहीं है। और ना भी लगाओगे क्योंकि इसमें थोड़े लोग कम ही लगाते हैं यार, समझ रहे हो आप, तो भाई उतना ये इरीटेट भी नहीं करती कि भाई लगाओ ही लगाओ, हाय हाय नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसके स्टेयरिंग में प्ले देखो, पहाड़ पे हूँ मैं स्टिल मेरे को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई आई नो ना, ये देखना कितना मतलब इतने में तो गाड़ी एक यू टर्न मार जाए कोई नॉर्मल सी गाड़ी हो, बट ये भैया क्लासिक है इसका ऐसा ही है, इसके साथ आप खेल सकते हो। ये देखो इतना इतना हिला रहा हूँ मैं, बट
गाड़ी कुछ होती नहीं है, चलो भगा के देखता हूँ गाड़ी को। 5000 तक जाती है भाई इसकी रेड लाइन केवल बस। ये देखो न्यूट्रल कर दी मैंने भाई, वाह। इसकी गियर शिफ्टिंग और क्लच वगैरह बहुत स्मूथ है भाई, और रुतबा ऐसा, एक हॉर्न मारूंगा गाड़ी की शक्ल देखते ही अपने आप लेडीज इधर उधर भाग लेती हैं कि भाई कोई गाड़ी आ रही है। क्लासिक वाले यार बदमाश लेके चलते हैं, बदमाश मतलब सब नहीं होते एक जैसे, बट मेजोरिटी पे देखी जाती है कि थोड़े से तगड़े लोग मतलब हाईफाई स्टैंडर्ड रखने वाले ही ज्यादातर क्लासिक अपनी ऑन करते हैं। ये देखो अपने आप ऑटोमेटिकली साइड मिलती है भाई, यार गाड़ी इतनी स्मूथ कर दी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, बस स्टेयरिंग को इम्प्रूव कर दें तो यार, इसलिए इस वाली पे इतनी ज़्यादा वेटिंग है, बावजूद इसकी तो इसकी पावर कम हो गई। पहले जब ये आई थी ना तो मुझे यही लगता था यार अब तो इसकी पावर भी 30 BHP कर दी, अब तो शायद कम ही लोग इसको लेंगे, बट देर इज़ नथिंग लाइक डेट भाइयों। अब भी ये दबा के इसीलिए बिगड़ी है क्योंकि अब पहले से भी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, पहले से भी ज़्यादा रिफाइंड और पहले से भी ज़्यादा फन टू ड्राइव अब ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लगती है। जैसे गांव के अभी रोडों पे मैं चला रहा हूँ इसको, देखो ये जो स्कॉर्पियो लेते हैं ना वही इन सब फिटमेंट फिनिश को नहीं देखते भाई। देखो मैं चाहूँ तो इसको अपने एक हाथ से पूरा सिस्टम हटा दिया है मैंने, मतलब ये सब एकदम ऐसे ही है, ये सब तो लोकल सी लगती है चीज़, बट मैं बता रहा हूँ ना अगेन एंड अगेन ऐसे कमी गिनवाने पे, मतलब बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की कमी गिनवा दूँ आज के टाइम में, आज 2024 के हिसाब से भी। वैसे तो कहने को इस गाड़ी आउटडेटेड है अगर ऑन पेपर सब बात करोगे और सब चीज़ों पर बात करोगे, बट स्टिल बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि यार प्रैक्टिकली जब हम सोचते हैं कि गाड़ी में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई फीचर नहीं, देखना एसी वेसी आजकल जहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आने लग गए हैं, 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल आने लग गए हैं कि भाई मेरे को अलग चाहिए, पैसेंजर को अलग चाहिए, वहाँ पे ये ऐसे सिस्टम दे के भी इतना बेच पा रहे हैं अपने आप को। चलो ये तो हो गई भाई 15-16 लाख वाली, इसका टॉप मॉडल तो 19-20 तक जाता है, उसके अंदर भी चाइनीज स्टीरियो लगा के आते हैं। यार छोड़ो भाई इन सब चीज़ों को, बेटे आज तो बिहार हो कोई बेचारा मजा लेगा बिहार का। चलो अब आ गया हूँ भाई मेन रोड पे, लेट्स सी भाई, बहुत स्मूथ है भाई, 4000 RPM तक भी गाड़ी अल्ट्रा प्रो मैक्स स्मूथ लेवल। बहुत दिन बाद चला रहा हूँ भाई, मैंने क्या क्लासिक चलाई थी और आज मैं क्या क्लासिक चला रहा हूँ, मैं खुद ही शौक लूँ। पिकअप देखो आज के टाइम में, ए हट जा क्लासिक आ रही, दिख नहीं रहा भाई रुको मैं तो मजाक कर रहा था, नोटिनेस। और भाई एक चीज़ और बताऊँ, जब हम इस गाड़ी के अंदर बैठ के चलते हैं ना तो बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम इससे कम चल रहे हो कुछ भी, ये आप देख रहे हो जैसे घोड़े पे बैठ के भाई चल रहा है ना, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है, इवन मैं इससे भी ऊंचा बैठा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, क्यों मजा ही उस लेवल का आता है भाई गाड़ी के अंदर। सीटिंग का पूरा बोनट विजिबल है, हर चीज़ विजिबल है, पर एक चीज़ बताऊँ ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेयरिंग की वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस तो 1% भी नहीं आ रहा यार, क्योंकि मुझे या तो ऐसा है कि भाई वो नहीं है कि भाई आदत की कितने में घूमेगा, क्योंकि यार इतना प्ले होना और ऐसी गाड़ी में जो इतना झूलती हो कसम से, तो मैंने ऐसे डर सा लग गया यार जैसे हिलाया ना ये, ए क्यों ESP वीएसपी कुछ है ना, और ऐसा झूल रही है भाई गाड़ी कसम से, ऐसा ही पलट जाएगी मैं तो जैसे अभी आइडल सी पे चला रहे हम 5-10 की स्पीड में, तब कर रहा हूँ भाई अब कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके अंदर कोई वो सब तो है नहीं, स्टेबिलिटी कंट्रोल पंट्रोल, और मैया भाई साहब तो बड़ी रिस्की चीज है यार, छह के रहे भाई ये ना गाड़ी प्यार से चलाने की है, और 110 पे गया हूँ, देखो स्पीड जैसे ही 120 तक तो स्टेयरिंग में वाइब्रेशन है नहीं, इसके आगे हल्की हल्की स्टेयरिंग, इतना लाइट है ना स्टील, इतना प्ले है भाई, और ये भाई मेरे जैसे बंदे के लिए जो इतना भगाता है गाड़ी उसके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है यार ओ भाई मैं कसम से मैं कभी ना उठ पाऊंगा गाड़ी यार, हाँ मैं थोड़ा सा खींच के चलाता हूँ यार, 110-120 गाड़ी टच करी जाती है, पर ये तो कहीं पता चलेगा कि पलटो ही पर हूँ भाई मैं, कोई बचाने के बिना को 0 स्टार वैसे है। देखो लोग कहते हैं इसके अंदर बॉडी रोल का ही मजा है, उस सब चीज़ों के मजा है, आई एक्सेप्ट मतलब आई एग्री ऑल्सो, बट या तो ऐसे यार जब आदत हो जाएगी ना कि भाई कितने उस पर चलना है, बट स्टेयरिंग की तरफ से तो 0 भाई गाड़ी, स्टेयरिंग के हिसाब से तो 1% का मजा ना है गाड़ी के अंदर। देखो भगवड़िया रही है, पिकअप अच्छा है, ब्रेक्स भी ठीक ठाक ही हैं, पीछे तो ड्रम आ रही हैं आगे डिस्क हैं, बट स्टेयरिंग तो आई हिट इट स्टेयरिंग, सच में ऐसे लग रहा है बस या ट्रक चला रहा हूँ, अट स्टेयरिंग ने पूरी इसकी फील ही बिगाड़ दी यार, बेशक लाइट हो बट ऐसे प्ले व्ले का क्या काम है यार, और नई गाड़ी है जबकि कोई ऐसा भी नहीं कि भाई गनी मंदे टाइम की गाड़ी हो, मैं कोई चला रहा हूँ 1769 तो गाड़ी कुल मात्र चल रखी है,
देखो सूई तो बढ़िया लगे कि उठती हुई। देखो पिकअप आप इससे आइडिया लगा लो पिकअप कितना जबरदस्त है, इसके अंदर पिकअप मस्त है। और हमारे गांव में BYD कब तक डोलन लगी ये देखो। बट स्टीयरिंग यार हार्ड होना चाहिए ना, स्टीयरिंग पे काम करना चाहिए भाई महिंद्रा को स्टिल। एक तो गाड़ी में बॉडी रोल बहुत, तो भाई प्यार से चलाओ इस गाड़ी को तो मैं तो यही कहता हूँ। नहीं तो कौन से खेत में कौन सी नलिया में जैसे नाली आगे आ रही है उस पर मोड़ोगे पता चलेगी वहीं पड़े हो, और कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा। काले रंग की गाड़ी, काला इसके अंदर पानी रहता है, पता चले इसमें समा गई तो हिल ले सुहा इसके अंदर ही, इसलिए भाई पर वो ये भाई जो बदमाश होते हैं ना वो मुझे गाली ना दें कृपया करके, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ भैया। मैं तो ऐसे स्विफ्ट चलाने वाला आदमी हूँ, मेरे हाथ ये क्लासिक लग गई तो मैं थोड़ी सी ब्राई करूंगा, समझ रहे हो आप। तो इसके जो लवर हैं थोड़ा सा वो समझ थोड़ा सा, तो जो इसके लवर है भाई थोड़ा सा माफ़ कर देना छोटा भैया समझ के। और तो क्या यार मुझे नहीं आई पसंद तो नहीं, मैं तो ऐसी स्मूथ गाड़ी चलाता हूँ जो 150 तक भी मतलब ठीक ठाक रहता है, उनका स्टीयरिंग हार्ड वार्ड हो जाता है पर भागती अच्छी है। बट स्टीयरिंग की तरफ से वो वाला मौज वाला नहीं है, मैं अगेन फिर से कहूँगा। बाकी पैडल पूडल सब कुछ अच्छे हैं, किसी को ओवरटेक करना हो सब हो जाएगा। पर इसकी भी क्या पता भाई लत लग जाए, लत किस चीज़ की नहीं लगती, YouTube की लग जाती है भाई, Instagram की, फोन फान की, गंदे आचरणों की। तो इसकी ये तो गाड़ी घोड़ा है, जब भी स्टीयरिंग रोज रोज चलाऊंगा तो फील आ ही जाएगी। बट इसमें भाई वो वाला रुतबा मस्त है पकड़ना भाई, पर इसके अंदर वो वाला रुतबा तो मस्त है भाई साहब कि ये देखो ये इतना कुछ भी खेल लो इतना तो इसके साथ। तो भैया वैसे बात करें पावर वावर एवरेज वावर सब कुछ बढ़िया है वैसे तो, बट वो ये स्टीयरिंग में बॉडी रोल बहुत ज्यादा फील होता है गाड़ी के अंदर, बहुत ज्यादा हिलती डुलती है। पावर वाइज ठीक है, ESP वगैरह ना होने का ना सबसे बड़ा नुकसान यही है, बहुत बॉडी रोल है। मैं पहले समझता था कि यार ये वाले तो कितना खींच के चलते हैं बाबाजी में, पर अब पता चल गया 100, 110, 120 तक ही बस की है ये, उससे ऊपर एक स्पीड चली गई और हल्का सा स्टीयरिंग काट दिया ना अगर जो जो उसमें ऐसे कट मारने के चक्कर में तो गाड़ी पलट जाएगी भाई, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बेस मॉडल का प्राइस इसलिए ज़्यादा कम कर रखा है, 100 तक कोई ऐब नहीं देती, 100 तक बढ़िया है गाड़ी, बट उससे ऊपर MHOG आप इसको लेके चलो तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये था भाई इसका ड्राइव एक्सपीरियंस पहली बार मेरा, उसमें मेरे को थोड़ा खट्टा बन चला गया जो हमेशा से लगता था वही वाली चीज़ है भाई अब इसके अंदर फेज 2 के अंदर भी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।